तो ये सब कैसे हो, मैं उन्होंने चैनल पर आप लोगों का स्वागत। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली एयरटेल पेमेंट बैंक हर एक कस्टमर लोगों के लिए, ये एयरटेल पेमेंट बैंक हर एक सीएसपी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आए, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है या आप एयरटेल पेमेंट बैंक सीएसपी लेकर काम करते हो, तो आप दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली बात तो है, हम जितने भी सीएसपी एजेंट लोग होते, हमारे आईडी बहुत सारे ऐसे एजेंट है जिनका आईडी बंद हो चुके, जो लोग एपीएस काम या अकाउंट ओपनिंग या डिपोजिट विथड्रॉल कुछ भी काम नहीं कर पाते, तो इसका क्या रीजन है? या बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जिनके अकाउंट पर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, पैसे है बट पैसे निकल नहीं रहे, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहे बट क्यों आ रहे, इस दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन के बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, हम जितने भी रिटेलर लोग होते जो सीएसपी एजेंट होते, एजेंट पर किया गया कि हम अगर कोई कस्टमर का पैसे विड्रॉल या डिपॉजिट नहीं करेंगे, हमारे पास मान लो मेरे पास एक एयरटेल सीएसपी आईडी है जो कि मैं देखने के लिए रखा हूँ, बट मैं उसमें काम वगैरह नहीं करता हूँ, अकाउंट ओपनिंग नहीं करता हूँ, डिपॉजिट विड्रॉल ये ईपीएस कोई भी काम नहीं करता, बट मेरे पास आईडी है, तो वो आईडी बंद हो जाएगा। अगर वो आईडी दो तीन महीने से मैं अगर कोई काम नहीं करूंगा तो आईडी इनएक्टिव में चला जाएगा, वो आईडी बंद हो जाएगा। तो इस चीजों का ध्यान रखिए, आपके पास अगर एयरटेल सीएसपी आईडी है तो मस्ट है आपने जितने भी कस्टमर है उनका एपीएस ट्रांजेक्शन कीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक का, या आप कैश डिपॉजिट कीजिए, कैश विड्रॉल कीजिए, या जो भी सुरक्षा बीमा योजना इस टाइप पे जो स्कीम आते हैं वो अपने कस्टमर को बताइए और कस्टमर के अकाउंट पर कीजिए, जिस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा, अच्छा खासा आपके अकाउंट भी बिल्कुल सेव रहेगा। आप अगर काम नहीं करना चाहो तो एक नॉर्मल सी बात है, पर अगर आपके पास आईडी है तो इस चीजों का ध्यान आप जरूर रखे, वरना आपका आईडी बंद हो सकते। अब मेन बात जो आ जाती है कि जो जिन लोगों का एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट पर पैसा है बट पैसा निकल नहीं रहा है, उसका क्या रीजन है दोस्तों? देखो, ये एक ही रीजन है कि आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते, ना कि कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं करते, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक बार बार बोलते हैं मिनिमम एक महीने में एक से दो बार आप एयरटेल कोई भी एयरटेल सिस्टम में जाके अपने बायोमेट्रिक के थ्रू पैसे उड़ोल कीजिए और ओटीपी के थ्रू पैसे डिपॉजिट कीजिए, तभी आपके अकाउंट बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि आप अगर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे, फोन पे गूगल पे करोगे या पेटीएम पर इस्तेमाल करोगे, यूपीआई इस्तेमाल करोगे, तो आपके अकाउंट उस प्रोसेस पर बंद हो सकते हैं, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक को भी देखना होता है कि जिस बंदे एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज करे कि उसी का अकाउंट उसके पास है, जो कि तभी पता चलेगा जब वो बायोमेट्रिक के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करेगा तब, क्योंकि बायोमेट्रिक तो उसका ही लगेगा तभी उसके अकाउंट पर या डेबिट होगा, ओके, जो कि पैसा आप उठा पाएंगे तभी जब उसका बायोमेट्रिक लगेगा, इसके अलावा अदर्स कोई प्रोसेस नहीं है। और ओटीपी के थ्रू अगर डिपॉजिट करोगे तो आप ऑनलाइन अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन करते हो तो महीने में एक दो बार जो भी आपका नियरेस्ट एयरटेल सीएसपी है वहाँ पर जाके आप आराम से पैसे डिपॉजिट विड्रॉल एक बार दो बार कर लो, आपके अकाउंट बिल्कुल भी सेफ रहेगा, आपके अकाउंट पर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि मान लो आपके अकाउंट पर एक अच्छा खासा अमाउंट पड़ा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो और अचानक अगर आपके अकाउंट होल्ड या फ्रीज या ब्लॉक हो जाए तो आप हाई हाई करके भी मतलब कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पाओगे, उस पर आप लोगों को टाइम लग जाएगा। बट पहले से आप अगर समझ जाओगे और थोड़ी बहुत फिजिकल ट्रांजेक्शन भी करोगे तो आपके अकाउंट बिल्कुल भी सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा और आपके अकाउंट पर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जितने भी सीएसपी भाई लोग देख रहे हो, आप भी अपने कस्टमर को इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर दीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी मत कीजिए, आप कभी की भी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन भी कीजिए, तभी आपके अकाउंट सेफ एंड सिक्योर सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। इसी को ध्यान रखें। आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जन्म बंधु मातरम, थैंक यू, बाय।